उन व्यक्तियों को राशन मिल रहा है जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन उनका क्या दोष है जिनका पहले राशन कार्ड था? राशन कार्ड ऑनलाइन करने की व्यवस्था सरकार की है और सरकार की कमी के कारण वो राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाए, उन गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, वो जगह जगह धक्के खा रहे हैं। इस व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा धांधली है। अगर सरकार पुराने राशन कार्डों को जमा करने की जगह राशन कार्ड जमा करवा लेती और तब तक पुराने राशन कार्डों में ही राशन देती जब तक कि नए राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो जाते, क्योंकि ये व्यवस्था सरकार की है, जिम्मेदारी सरकार की है। आज वो दर दर धक्के खा रहे हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं। और बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूर्ति निरीक्षकों ने अपने कमरे में बिना अपॉइंट किए लोग रखे हुए हैं जो राशन कार्ड को ऑनलाइन कर रहे हैं, और जो व्यक्ति आकर वहां मुझे कहना नहीं चाहिए उनको ऑब्लाइज करता है, उसके राशन कार्ड ऑनलाइन भी हो रहे हैं, उनके सफेद राशन कार्ड भी बन रहे हैं, उनके अंत्योदय राशन कार्ड भी बन रहे हैं, और जो व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है उनके राशन कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि आपने भैया ये राशन कार्ड, आपने इनका सफेद राशन कार्ड बनना चाहिए, इनका अंत्योदय बनना चाहिए, तो वो ऑनलाइन का हवाला देते हैं। लेकिन बहुत सारे राशन कार्ड अभी भी ऑनलाइन जो हैं वो जब चाहे सफेद कर दें, जब चाहे पीले कर दें, जब चाहे अंत्योदय कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा कॉकस बना हुआ है जो मुझे लगता है कि खाद्य में जो हमारी योजना है, हम जो घर घर तक गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसको ये सार्थक नहीं कर रहा है। और ये जो राशन कार्ड सिलेंडर की व्यवस्था है, इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए। बड़े परिवार हैं, जिन परिवारों में तीन तीन चार चार भाई रह रहे हैं, अगर हम उनका आकलन भी 15,000 सालाना करेंगे कि वो राशन कार्ड में एक साथ है, तो ये तर्कसंगत नहीं होगा। माननीय श्री विक्रम सिंह नेगी जी।